वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, अभी इवनिंग के 4 o'clock हुए हैं एंड आज हम लोग जा रहे हैं साईं बाबा मंदिर। मेरे साथ रोज़ की तरह मेरी भतीजी आराध्या जा रही है एंड मेरी सिस्टर इन लॉ नेहा जा रही है। तो गाइस, हम लोग काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे यहाँ जाने की, बट मौका नहीं मिल रहा था, तो आज मौका मिला है तो आज हम लोग साईं बाबा मंदिर जा रहे हैं। एंड गाइस, ये मंदिर सेक्टर 7 रोहिणी में है एंड इसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं एंड डेली यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो बने रहिए व्लॉग के साथ, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं साईं बाबा मंदिर में। हम ई रिक्शे में बैठ चुके हैं एंड मंदिर जाके आपसे मिलते हैं। आराध्या, कहाँ जा रही हो आराध्या? आराध्या, कहाँ जा रही हो आप? गाइस, तुमसे गुस्सा हो जाएंगे, बात नहीं करियो ना। आज पहले थक गई हो? क्यों हो रहा है मूड आप? तो गाइस, हम लोग अब सेक्टर 7 की मार्केट में पहुंच चुके हैं एंड थोड़ी देर के बाद हम लोग टेंपल भी पहुंचने वाले हैं। तो गाइस, ये है सेक्टर 7 की मार्केट एंड यहां पर भी सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। ये देखिए, यहां पर लेडीज़ का लहंगा और जेंट्स की शेरवानी वगैरह सब मिल जाती है एंड यहां पर काफ़ी रिजनेबल रेट्स में आपको सभी तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो ये रोहिणी का मार्केट है। तो गाइस, यहाँ पर ब्राइडल के सभी टाइप्स के लहंगे वगैरह मिल जाते हैं। रोहिणी के आसपास के जितने भी लोग हैं वो मोस्टली इस मार्केट में आते हैं एंड यहाँ पर सभी पार्टी वेयर ड्रेसेस इजीली मिल जाती है। तो गाइस, हम लोग साईं बाबा मंदिर आ गए हैं एंड ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। काफ़ी ज़्यादा लोग आज आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा रश दिख रहा होगा आपको भी, ये देखिए। तो गाइस, अभी हम स्वीट शॉप पे आए हैं स्वीट्स लेने के लिए एंड आज हम लोग बहुत टाइम बाद इस मंदिर में आए हुए हैं। मैं तो कम से कम 2 या 3 ईयर्स बाद यहाँ पे आ रही हूँ। गाइस, यहाँ पे देखिए भंडारा भी लगा हुआ है। गाइस देखिए, यहाँ पे भंडारा भी लगा हुआ है एंड काफ़ी लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अक्सर भंडारे भी होते हैं एंड थर्सडे को स्पेशली इस मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको मंदिर का पूरा व्यू दिखाने वाली हूँ एंड दिखाऊंगी कि आज कितने लोग यहाँ पे आए हैं एंड आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बने रहिए लोग के साथ एंड तक, तो ही आप इस लोग को अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर फुटवेयर्स रखने के लिए व्यवस्था भी की गई है, आप देख सकते हैं। तो गाइस, अब हम मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो बने रहिए लोग के साथ। Thank you.
मार्केट है वहाँ घूम रहे हैं, तो देखते हैं कि यहाँ हम क्या खरीदते हैं। वैसे तो कुछ सोच के नहीं आए थे, बट सोचा थोड़ा बहुत टाइम है तो थोड़ा मार्केट ही घूम लेते हैं, क्योंकि वैसे भी इवनिंग का टाइम है और आजकल मौसम भी काफ़ी अच्छा है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है, और ऐसे मौसम में घूमने का मज़ा ही अलग है। तो हमने सोचा चलो कुछ देर यहाँ घूम लेते हैं। देखो यहाँ पर लेडीज़ सैंडल मिल रही है, 250 की सेल लगी हुई है एंड 300 की भी सेल लगी हुई है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सैंडल्स हैं एंड यहाँ पर चेन्स भी है। और आराध्या को क्या पसंद आया? आराध्या ये क्या है? आराध्या को ये की चेन पसंद आया है। ये गंदे हो रखे, देखे थे गंदे। पहले सेलेक्ट कर लो कौन सा लेना है। ये पॉम पॉम है आपके पास? जो आपके पास नहीं है वही ले लो। ये लेना है? हाँ ये काफ़ी सॉफ्ट भी है ना, चाहिए ये आपके पास? ये हैवी नहीं। तो गाइस फाइनली आराध्या को ये की चेन पसंद आया है। विच कलर यू वांट आराध्या? आराध्या कलर बताओ। उसने एक चीज़ हाँ बोलो तो उसे दूसरे पे पहुँच जाती है और वो भूल जाती है। क्या चाहिए इनमें से, कौन सा कलर? ये देखिए आपको मैं यहाँ पर भी सैंडल्स वगैरह दिखाती हूँ। ये भी देखिए यहाँ पर लेडीज़ के सैंडल्स वगैरह हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। एंड हम लोग बहुत टाइम बाद इस मार्केट में आए हुए हैं। वैसे तो हम लोग मंदिर में आए थे बट हमारे पास थोड़ा टाइम था तो सोचा जाते जाते मार्केट भी देख लेते हैं, तो अगर कुछ पसंद आता है तो वो भी बाय कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी टाइम मिलता नहीं है, तो आज टाइम मिला है तो जाते जाते कुछ खरीद लेंगे। दिखाओ क्या लिया तुमने, बताओ तुम्हें अच्छा लगा ये? देखो आराध्या की तरह सॉफ्ट एकदम। एंड गाइस इस मार्केट में लेडीज जेंट्स के सब स्टाइलिश फैशनेबल क्लोथ भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आप हर टाइप के फैशन के क्लोथ ले सकते हैं एंड वो भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। एंड कितने के हैं ये, बच्चों के हैं? आराध्या के लिए देख रहे हो? ये सिंगल है ना? ये मेरी बेटी प्यार से आराध्या, आराध्या इधर आओ। ये अच्छा लग रहा है मुझे तो। ये कलर अच्छा है, इसमें और कलर दिखाओ। इसलिए डार्क कलर ही सही है। अरे इधर आओ, इधर आओ। ये सेट कितने का बता रहे हैं? 450 बोला। अच्छा है, नाइट सूट की तरह अच्छा है। हाँ ये क्योंकि ब्लैंकेट्स वगैरह सब कर देती है ना। एक वेलवेट में भी ये देखना है तो।
इस साइड देख सकते हैं, यहाँ पे लेडीज कुर्तीज हैं, इनकी देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। तो अगर आप यहीं पे आसपास रहते हैं रोहनी में, तो आप इस मार्केट में आ सकते हैं, यहाँ से सभी तरह के स्टाइलिश एंड फैशनेबल क्लोथ्स बाय कर सकते हैं, वो भी काफ़ी रिजनेबल रेट में। गाइज अब हम लोग सेक्टर 7 मार्केट आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको मार्केट का पूरा व्यू दिखा दूँ कि जब आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं, एंड आपको भी पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ मिल रही है, थोड़ी बहुत आपको भी नॉलेज मिल जाए। एंड गाइज देखिए यहाँ पर कितनी ब्यूटीफुल इयर रिंग्स भी हैं, मैरिज के लिए, पार्टी के लिए, सब तरह के इयर रिंग्स यहाँ पर मिल जाते हैं। एंड देखिए यहाँ पर लेडीज पर्स की भी काफ़ी वैरायटीज है, एंड यहाँ पर लेडीज़ इयर रिंग्स हैं। तो गाइज लेडीज़ की तो यहाँ पर हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, हर तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, विंटर समर जितनी भी चीज़ें आप लेना चाहते हैं यहाँ मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर देखिए लेडीज़ लोअर भी हैं, यहाँ पर लेडीज़ टॉप्स भी हैं। देखिए ये जैकेट 200 की सेल लगी है। अच्छा हमने पूरी मार्केट घूम ली है, तो अब हम कुछ खाने आए हैं, तो सोच रहे हैं खाना क्या खा रही हो तुम, क्या खाओगे? अगर तो तुम क्या खाओगी बताओ? फ्रेंच फ्राइज खा ले है? तो गाइस आराध्या तो फ्रेंच फ्राइज खाएगी। गाइस देखिए आराध्या तो टायर्ड हो चुकी है, तो थोड़ी देर रेस्ट कर रही है। आराध्या बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए गाइज, इसने अभी मंदिर ही देखा है, मंदिर गई थी और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट घूमा है, बट उतने में ही ये देखो कितना ज़्यादा टायर्ड हो चुकी है। देखिए इसको, आजकल के बच्चे आज पता नहीं बिल्कुल नॉटीनेस नहीं दिखा रही है ये, बिल्कुल इतनी शरारती लड़की आज चुपचाप से बैठी हुई है, मैं भी सरप्राइज हो रही हूँ। आपने इसके जितने भी व्लॉग्स देखे होंगे आपने देखा होगा कितनी चुलबुली है, बट आज का चुलबुलापन कहीं खो गया है, कहाँ खो गया है बताएंगे आप? आप ऐसे क्यों बैठे हो, आप इतने शांत लड़की कैसे हो गए? हाँ आई एम सो सरप्राइज्ड। गाइस मोमोज तो काफी ज्यादा यम्मी एंड डिलीशियस है, चटपटे हैं, जैसे मुझे पसंद है बिल्कुल वैसे ही है। किस नाम से आपकी शॉप जी? आनंद डेयरी के नाम से है, आप सेक्टर 7 में आ सकते हैं और इनके मोमोज खाइए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है ना। खा रही हो? खाओ, खा के देखो पहले, बहुत तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। हमारी श्रीलांडी भी बनाती है ऐसी फ्रेंच फ्राइज, इनकी शॉप में सभी कुछ मिलता है, फ्रेंच फ्राइज। ये क्या चीज़ें? स्प्रिंग रोल। ये स्प्रिंग रोल है, एंड मोमोज तो हमें बहुत पसंद आए हैं, प्योर वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन चीज़ें मिल जाती है यहाँ पर, एंड काफ़ी देखो कितनी क्लीनिंग है। हमने तो मोमोज खा लिए, मगर आराध्या ने मोमोज नहीं खाए, इसको फ्रेंच फ्राइज पसंद है, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, एंड यहाँ पर कोई बैठने की सुविधा नहीं थी, तो ये स्कूटी पर बैठी हुई है, ये भैया की स्कूटी है, जिनकी शॉप है ना उन्हीं की स्कूटी है। तो देखिए आराम से मैम बैठी हुई है और बैठ के खा रही है, पहले इसने कहा मैं नहीं खाऊंगी जब तक मुझे सीट नहीं मिलेगी, तो इसलिए इसके लिए पहले एक जहाँ पर ये बैठ पाए आराम से और खा पाए, इंजॉय कर पाए, तो इसके लिए पहले क्या वो मैनेज किया हमने, एंड अब देखिए मैम बैठी हुई है और अब खा रही है। ये ऐसे नहीं खाती है, ये इंजॉय करके खाती है एकदम से, कि जहाँ आराम से इंजॉय कर पाए। अब सही है? हाँ आर यू हैप्पी? बट लग नहीं रहे हो हैप्पी, क्या हो गया? वो फ्रेंच फ्राइज खा के देखेगी, खाओ खाओ, शिलांडी ऐसी बनाती है ना। गाइस बोलेंगे आज कितनी सैड की दिख रहे हो, क्या बात हो गई? खा के देखो बहुत क्रंची बना है, बहुत अच्छी है। बताओ पहले, तुम खा के बताओ पहले, स्माइल पास करो, क्योंकि जब तुम इसे खाओगे और स्माइल पास करोगे जब पता चलेगा अच्छा है। बहुत है राध्या, तुम मुझे जल गया। राध्या कैसा टेस्ट है बताओगे कुछ? कैसे हो रहे? कोई रिएक्शन नहीं, अच्छा लगा। गाइस तो मोमोज तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी टेस्टी हैं, तो खा के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया है, ऐसे ही मोमोज में हर जगह ढूंढती हूँ,
बट यहाँ के बिल्कुल वैसे हैं जैसे मैं पसंद करती हूँ। तो आप भी यहाँ आ सकते हैं, ये सेक्टर 7 में आनंद डेयरी के नाम से है एंड आप और इन्होंने काफ़ी वैराइटीज रखी है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर विंटर लोअर्स भी लगे हुए हैं एंड 200 रुपए की सेल लगी हुई है। क्यों है ये 200 का एक? अच्छा नेक्स्ट टाइम आएंगे, अभी तो हम इसके साथ का सेट भी मिल सकता है। हाँ, इससे गरम कपड़ा हुआ। अच्छा ये दिख रहा है आपको? यही है लेकिन कलर आपको दूसरा मिल सकता है, ऐसी कलर में मिल सकता है। अच्छा नेक्स्ट टाइम आएंगे, ठीक है। गाइस ये सेक्टर 7 में गोपाल कृष्ण के नेम से एक शॉप है एंड यहाँ पर लेडीज गारमेंट्स मिल जाते हैं, सभी फैशन स्टाइलिश कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 200 रुपये की सेल लगी है और ये विंटर लोअर है लेडीज़ की, काफ़ी अच्छा क्लोथ है। तो शॉप में कौन पढ़ता, तुम बैठते हो? पढ़ते नहीं हो तुम? मैं तुम्हारी शॉप है तो गाइस ये इनकी शॉप है, ये इससे मोटा कपड़ा है। हाँ और ये कितने का है? ये 350 का है। 350 का है तो गाइस ये लोअर 200 का है एंड ये इससे थोड़ा सा हैवी है तो ये कितने का? 300 का बता रहे हो? ठीक है, ये 350 का है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप यहीं आसपास रहते हैं तो आप इस शॉप में पक्का आना एंड यहाँ से आपको हर तरह के लेडीज़ गारमेंट्स मिल जाएंगे, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं यहाँ पे। गाइस अगर आप इस मार्केट में आते हैं तो आपको लेडीज़ जेंट्स सभी फेस्टिवल क्लोथ्स मिल जाते हैं, बट अगर आप यहाँ पर कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको खाने की सभी चीज़ें मिल जाएंगी। अब हम सिंह साहब चाप वाले के शॉप में आए हैं एंड हम यहाँ पे अब चाप खा रहे हैं, हम देखते हैं कि चाप कैसे हैं। आराध्या को चाप बहुत पसंद है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो आज देखते हैं कि इनके चाप कैसे हैं। मैं दिल्ली में कभी नहीं खाई है। चाप भी बहुत ज़्यादा जल्दी बनी है। तो गाइस चाप भी हमें बहुत पसंद आए हैं, तो सिंह साहब शॉप की चाप तो बहुत अच्छे निकले एंड अगर अब हमको चाप खाने होंगे तो हम इसी शॉप में आएंगे। तो गाइस मार्केट तो हम घूम चुके हैं तो उसके बाद हमने मोमोज चाप फ्रेंच फ्राइज खाए और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। तो गाइस आज तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ गया है पहले। तो गाइस अब हम लोग घर जा रहे हैं, तो आज के व्लॉग में यही प्लान करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून विद न्यू व्लॉग।